हाँ जी, हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? स्वागत है आपका हेलो टीचर्स पर। मैं आपका जीएस मेंटर ज्ञान प्रकाश झा आपके सामने हाजिर हूँ जनरल साइंस की क्लास लेकर, एनसीईआरटी बेस्ड एमसीक्यू के सेशन को लेकर। तो आप जितने भी बच्चे देख रहे हैं, सभी बच्चे एक बार जल्दी से सेशन को शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। देन वी विल स्टार्ट द सेशन ऑफ टुडे। उसके बाद आज हम लोग किस आज आज के सेशन को हम लोग स्टार्ट करेंगे और देखेंगे आज के बेहतरीन और अच्छे सवालों को। दोस्तों, यह हमारी एनसीईआरटी बेस्ड एमसीक्यू की सीरीज है। ये इस वीक 20 सेशंस इसमें होंगे, जिसमें कि ऑलरेडी हम लोगों ने 17 सेशन, आज हमारा ये 17वां सेशन है। 3 सेशन और इसके अंदर होंगे। उसके बाद नेक्स्ट वीक से हम लोग कुछ दूसरा करेंगे इसमें, कुछ मतलब स्पेशल एनसीईआरटी की जो थ्योरी है, मैं सोच रहा हूँ कि मैं उसे आप लोगों के लिए स्टार्ट करूँगा फिर से एक बार। थ्योरी को रिवाइज करा के साथ साथ क्वेश्चन हम लोग करेंगे, ठीक है? तो सभी बच्चे एक बार जुड़ जाएंगे। दोस्तों, यह हेलो टीचर्स इंडिया का लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म है, जहाँ पर आप जितने भी टीचिंग एग्जाम्स हैं सभी की प्रिपरेशन कर सकते हैं, चाहे वो सी टेट, यू पी टेट, के वी एस, एन वी एस, डी ट्रिपल एस बी या कोई भी अन्य टीचिंग एग्जाम हो, उसकी यहाँ पर आप प्रिपरेशन कर सकते हैं। दोस्तों, ये मेरा इंट्रोडक्शन है। आप हम अनअकैडमी के ऐप पर फॉलो कर लेंगे, ताकि मेरी क्लास होगी परसों कितने बजे, 3 PM, जिसमें हम लोग देखेंगे जीएस का मॉक 37, ठीक है ना। टोटल 50 मॉक मैं आप लोगों को एनटीपीसी के लिए कराने वाला हूँ, ठीक है। उसके बाद प्रैक्टिस सेशंस, अलग अलग सब्जेक्ट वाइज प्रैक्टिस क्वेश्चन मैं कराऊंगा, ठीक है ना, जैसे साइंस के, पॉलिटी के, हिस्ट्री के। जब 50 मॉक हमारा ओवर हो जाएगा उसके बाद, ठीक है। और ये 50 मॉक अगर आप लोगों ने दिया ना, तो ये काफ़ी बेनिफिशियल होगा आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। यानी कि ऑलमोस्ट आप देखेंगे एग्जाम में 60-70% जो क्वेश्चन होंगे ना, वो आपके इसी 50 मॉक के इर्द गिर्द आपके रहेंगे, ठीक है। बात करता है दोस्तों, इसके बाद आप हमारे प्लस कोर्स से भी जुड़ सकते हैं, जिसमें आपको डेली लाइव क्लासेस मिलती हैं, लाइव टेस्ट एंड क्विजेस मिलते हैं, डिफरेंट एग्जाम के लिए आपको स्ट्रक्चर्ड कोर्सेस मिलते हैं, और इन सभी का आपको अनलिमिटेड एक्सेस भी मिलता है। इसके लिए आपको करना क्या होता है, अनअकैडमी के सब्सक्रिप्शन प्लेटफॉर्म पर रजिस्टर करना होता है, जिसके लिए आपको अनअकैडमी का लर्निंग ऐप इंस्टॉल करना है। उसके बाद आपको अपना गोल टीचिंग एग्जाम सेलेक्ट करना है, फिर आपको गेट सब्सक्रिप्शन पर क्लिक करना है। देन यू हैव मल्टीपल ऑप्शन, जिसमें आप 12 मंथ या 24 मंथ कोई भी आप एक ऑप्शन ऑप्ट कर सकते हैं। उसके बाद ये कोड यूज करेंगे, इस कोड को यूज करने पर आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा। देन आप प्रोसीड टू पे पर क्लिक करेंगे, पेमेंट करेंगे, और पेमेंट करने के बाद आप अनअकैडमी के सब्सक्रिप्शन का बेनिफिट ले पाएंगे। और दोस्तों, आप याद रखें, अगर आप 6, 12 और 24 मंथ का सब्सक्रिप्शन लेते हैं, तो आपके पास नो कॉस्ट EMI का ऑप्शन अवेलेबल होता है। इट मीन्स कि आप इस अमाउंट को आप छोटे छोटे इंस्टॉलमेंट में भी पे कर सकते हैं मंथली, विदाउट एनी एक्स्ट्रा कॉस्ट। लाइक 12 मंथ का 450 पर मंथ पे, और आप 24 मंथ का, अगर आप 24 मंथ का आप 270 पर मंथ पे कर सकते हैं, ठीक है। चलिए तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। सभी बच्चे ठीक है जुड़ गए हैं, फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। ओके, चलिए तो आज का पहला सवाल आपके स्क्रीन के ऊपर। बहुत बढ़िया, नहीं टोटल 20 सेशंस होंगे, आज 17वां सेशन है ये, है ना। अच्छा, टाइम से पहले स्टार्ट हो गई है क्या? कहाँ टाइम से पहले स्टार्ट हुई है ना, 9 बजे से ही तो क्लास होती है आपकी, है ना। चलिए, गुड इवनिंग चित्रंजन राय जी, आयुष गुप्ता जी, समिष्ठा जी, नवीन जी, चेतन जी, बहुत बढ़िया। दोस्तों, आप साथ ही साथ याद रखेंगे मैथ्स की क्लासेस आप यहाँ पर देख सकते हैं। आयुष चौहान सर बेस्ट एजुकेटर हैं मैथ के लिए। माधवी व्यास मैम की आप इंग्लिश के लेक्चर्स भी यहाँ पर देख सकते हैं। महेंद्र मेहरा सर की EVS और GS के लेक्चर्स देख सकते हैं, ठीक है। टीना शर्मा मैम की आप CDP के लेक्चर देख सकते हैं, मैं आपको साइंस पढ़ा रहा हूँ। और विजय सर की आप रीजनिंग की क्लासेस भी यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज का पहला सवाल आपके स्क्रीन के ऊपर, ये रहा। An electric bulb is connected to a 220 volt generator. The current is 0.50 ampere. What is the power of the bulb? कहा जा रहा है कि एक इलेक्ट्रिक बल्ब को 220 वोल्ट जनरेटर से कनेक्ट किया गया, तो करंट जो है दोस्तों उसमें 0.50 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है, तो उस बल्ब का पावर क्या होगा आपको ये बताना है। What is power of that bulb? आप लोग इसका उत्तर दीजिए, ठीक है, सभी लोग इसका उत्तर दें।
चलिए, बहुत बढ़िया। गुड इवनिंग तृप्ति जी, मनीषा जी, मैं सवालों को हिंदी में बोल दे रहा हूँ, है ना। जब बात करते हैं, देखिए दोस्तों, पावर जब हमें निकालना होता है तो पावर का फॉर्मूला हम लोगों को पता है, क्या होता है, वी आई या फिर वी स्क्वायर अपॉन आर, ठीक है ना, या फिर आई स्क्वायर आर। दीज आर द फॉर्मूला फॉर पावर। ये सभी दोस्तों पावर के फॉर्मूले हैं। अब हमें देखना है कि हमें क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है। वोल्टेज हमें गिवन है कितना, 220 वोल्ट, एंड करंट हमें गिवन है कितना, 0.50 एम्पियर, ठीक है। तो दोस्तों जो हमारा पावर हो जाएगा, पावर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वी। वी यानी कितना है, 220 इंटू 0.50, और दोस्तों क्या है, वोल्ट एम्पियर, ठीक है। तो यानी कि आप जब इसे करेंगे तो ये, आप जब इसे सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 110 वोल्ट एम्पियर, यानी कि जिसे दोस्तों हम लोग वाट भी कहते हैं। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 110 वाट इज द राइट आंसर। यानी कि इसका जो सही उत्तर है दोस्तों वो आपका है ऑप्शन बी, 110 वाट इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक? किसी को कोई समस्या है तो आप लोग बताइए, फिर हम लोग चलेंगे इसके आगे। यहाँ तक किसी को कोई परेशानी हो तो आप लोग बता सकते हैं। हाँ जी, हेलो रुपेश गुप्ता जी। चलिए अगले सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल, चूज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ टर्म दैट डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन इन रुमिनेंट्स। ये रुमिनेंट्स का मतलब क्या होता है, याद रखिएगा, जो जुगाली करने वाले जो जानवर होते हैं, ध्यान से समझिएगा। अगर आपने सवाल को समझ लिया तो आपके लिए आसान उत्तर होगा, मतलब उत्तर देना आपका आसान होगा। रुमिनेंट का मतलब होता है जो जुगाली करने वाले जानवर होते हैं, उसमें पोषण का सही तरीका, सही प्रोसेस क्या है। पहला है दोस्तों स्वेलोइंग। स्वेलोइंग का मतलब होता है निगलना, ठीक है। पार्शियल डाइजेशन का मतलब है अंशतः पाचन। तीसरा है च्यूइंग ऑफ कट, जो मतलब भोजन है उसको क्या करना, चबाना। और चौथा है फिर कंप्लीट डाइजेशन। उसके बाद उसी तरह आपके पास यहाँ पर अलग अलग वो लिखे हुए हैं, जहाँ पर दोस्तों एक मिक्सिंग विथ डाइजेस्टिव जूसेस, यानी कि जो डाइजेस्टिव जूसेस हैं, पाचक रस हैं, उनका मिलना है, जिसका मतलब वो है। तो आप लोग इसका जवाब दीजिएगा, पूरा पढ़िए सवाल को, उसके बाद आप उत्तर दीजिए। निशा राठौर जी, बहुत बढ़िया, काफ़ी दिन के बाद आप क्लास में जुड़ी हुई हैं, बताइए इतने दिन से आप कहाँ थी। चलिए देखते हैं, यहाँ पर अलग अलग बच्चों का अलग अलग, बजरंग बली जी ये बता रहे हैं, बाकी बच्चे बी सी अलग अलग जवाब दे रहे हैं। भाई साहब देखो, कभी आपने घास खाने वाले जानवर को देखा है खाना खाते हुए, तो वो क्या करते हैं, सबसे पहले जब आप उनको देखेंगे तो वो क्या करते हैं, सबसे पहले तो घास या जो भी है पूरा खा के रख लेते हैं, है ना, पहले पूरा वो निगल लेते हैं, है ना। ऐसा है क्या, एक बार खाया पैर उसे क्या करते हैं, चबाते हैं, फिर उसके बाद दूसरी बार खाते हैं, फिर चबाते हैं, फिर तीसरी बार खाते हैं, फिर ऐसा नहीं करते ना, वो क्या करते हैं, पहले पूरा खाना क्या करते हैं, निगल के रख लेते हैं वो, ठीक है। और उसके बाद क्या करते हैं, उस निगलने के दौरान पार्शियल डाइजेशन होता है फूड का, बाद में वो क्या करते हैं, बैठ कर आराम से उस जो कट जो होता है उसे वो क्या करते हैं, चबाते रहते हैं, चबाते रहते हैं, जिसके बाद दोस्तों क्या होता है, आपका कंप्लीट डाइजेशन होता है। यानी कि यहाँ पर अगर देखा जाए तो इस प्रकार जो स्वेलोइंग पहला प्रोसेस होगा, उसके बाद दोस्तों पार्शियल डाइजेशन, फिर आपका च्यूइंग ऑफ कड, उसके बाद दोस्तों क्या होगा, आपका कंप्लीट डाइजेशन। यानी कि अगर देखा जाए तो यहाँ पर सही उत्तर जो होगा, दैट इज ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ए ऑप्शन जो है दोस्तों वो हमारा करेक्ट उत्तर होगा, याद रखिएगा इस चीज को। अगले सवाल पर चलेंगे हम लोग। अगला सवाल, अगला प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, ऑन एडिंग फेनोफ्थलीन इंडिकेटर टू कलरलेस सॉल्यूशन नो चेंजेस ऑब्जर्व्ड, व्हाट इज द नेचर ऑफ दिस सॉल्यूशन। सवाल ये कह रहा है, कोई कलरलेस सॉल्यूशन है, याद रखिएगा, कहा जा रहा है कोई कलरलेस सॉल्यूशन है, और उस कलरलेस सॉल्यूशन में फेनोफ्थलीन इंडिकेटर डाला गया, तो उसका कलर कैसा, उसका मतलब जो सॉल्यूशन है उसका नेचर कैसा होगा, अगर आपके जो मतलब कलरलेस सॉल्यूशन उसमें किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नजर नहीं आता है, तो उस सॉल्यूशन का नेचर कैसा होगा, बेसिक होगा या फिर आइदर एसिटिक या बेसिक, दोनों ही हो सकता है, आइदर एसिटिक होगा या फिर न्यूट्रल होगा, या फिर आइदर बेसिक या न्यूट्रल होगा। इसका आप लोग उत्तर दीजिए, क्या सही उत्तर है, सभी लोग इसका जवाब दें। ओके, चलिए इस सवाल का सही उत्तर दीजिए, क्या सही उत्तर होगा, ध्यान से पढ़िएगा। फेनोफ्थलीन एक दोस्तों काफी फेमस इंडिकेटर है फॉर सीटेट एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। सीटेट के एग्जामिनेशन में फेनोफ्थलीन से
टर्मोरिक से, है ना। इसके बाद दोस्तों आपका लिटमस पेपर से, है ना, यहाँ से आपके सवाल पूछ, मिथाइल ऑरेंज से, वहां से आपके सवाल बनते हैं। यहाँ पर दोस्तों जब बात करते हैं, कई बच्चे ये बता रहे थे, तो भाई साहब जो आपका पेनपतलिन होता है ना, बेस के साथ उसका कलर कैसा होता है, पिंक होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर लेकिन आपका कोई नो चेंज है, यानी कि कलरलेस ही है। तो फेनपतलिन कलरलेस किसके साथ होगा, एसिड के साथ होगा, या तो एसिड या फिर न्यूट्रल है, तो क्या फर्क पड़ता है, न्यूट्रल है तो उसके साथ भी क्या रहेगा, कलरलेस रहेगा। यानी कि हमारा जो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों वो क्या हो जाएगा, दैट इज आइदर एसिडिक और न्यूट्रल इज द राइट आंसर, सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, ठीक है, सी जो है हमारा सही उत्तर है। कुणाल बिताली जी बहुत बढ़िया, जी के शर्मा जी गुड इवनिंग, चलिए तानिया बेदुआ जी, रुपेश जी, रवि जी बहुत बढ़िया। चलिए अगले सवाल पर चलते हैं हम लोग, अगला सवाल, अगला प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा, द सेफेस्ट टेम्परेचर फॉर कीपिंग फूड फ्रेश इन अ रेफ्रिजरेटर इज, यानी कि किसी भी भोजन को फ्रेश रखने के लिए रेफ्रिजरेटर में जो एक्चुअल टेम्परेचर होना चाहिए, जो मतलब सबसे सेफेस्ट टेम्परेचर है, वो कौन सा है, 4 डिग्री सेल्सियस, 8 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री सेल्सियस या 10 डिग्री सेल्सियस, इसका आप लोग जवाब दीजिएगा। गुड इवनिंग नीलेश मोनी जी, उत्तर दीजिए इसका। जो रेफ्रिजरेटर की जब बात करता है ना दोस्तों, रेफ्रिजरेटर से कुछ सवाल आपके पूछे जाता है। सबसे पहला सवाल आप याद रखिएगा, रेफ्रिजरेटर से आपसे पूछा जाएगा कि रेफ्रिजरेटर में कूलेंट के रूप में किसका प्रयोग करते हैं, तो कूलेंट के रूप में फ्रायोन का प्रयोग किया जाता है। टू मेंटेन टेम्परेचर इन अ रेफ्रिजरेटर वी यूज अमोनिया, एंड दोस्तों कई बार आपसे पूछा जाता है, अगर आप फ्रिज को खुला छोड़ दोगे किसी बंद कमरे में, तो रूम का टेम्परेचर क्या होगा, बढ़ेगा या घटेगा। तो याद रखिएगा दोस्तों, फ्रिज का अगर आप गेट खुला छोड़ देते हैं किसी बंद कमरे के अंदर, तो रूम का टेम्परेचर इंक्रीज होता है, ना कि डिक्रीज होता है। एंड द सेफेस्ट टेम्परेचर, याद रखिएगा, किसी भी फूड को आप फ्रिज में अगर फ्रेश रखना चाहते हैं, तो उसे दोस्तों क्या, कितने डिग्री पर रखना चाहिए आपको, 4 डिग्री सेल्सियस पर रखना चाहिए। क्योंकि दोस्तों इस इतने टेम्परेचर पर, याद रखिएगा, जो भी आपके हार्मफुल बैक्टीरियाज हैं और या फिर जो भी हार्मफुल जीवाणु हैं, वो क्या होते हैं, वो आपके निष्क्रिय हो जाते हैं, ठीक है ना, वो काम नहीं करते। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन ए, 4 डिग्री सेल्सियस। और याद रखेंगे, जो इसी टेम्परेचर पर वाटर की डेंसिटी जो होती है वो क्या होती है, दैट इज मैक्सिमम। वाटर की डेंसिटी से होती है सबसे अधिक दोस्तों कितने डिग्री पर होती है, 4 डिग्री सेल्सियस पर ही होती है, इस चीज़ को भी आपको याद रखना है, ठीक है। तो इसका सही उत्तर क्या है दोस्तों, इट्स करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, 4 डिग्री सेल्सियस इज द करेक्ट आंसर। सेशन को आप लोग इसी प्रकार लाइक भी करते रहें, शेयर भी करते रहें सभी दोस्तों, है ना। बात करेंगे इसके बाद अगले सवाल की, अगला सवाल, अगला प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सिंथेटिक रबड़, यहां पर कहा जा रहा है कौन सा एक संश्लेषित रबड़ है, है ना। रबड़ तो आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, एक एक चीज हम लोगों ने रबड़ के बारे में पढ़ा हुआ है ना। आपका पॉलीमर के अंदर मैंने पूरा सिंथेटिक रबड़ भी पढ़ाया आपको, नेचुरल रबड़ भी पढ़ाया, कहाँ से क्या प्राप्त होता है सारा कुछ पढ़ाया आपको। अब आपसे यहाँ पर प्रश्न मैं पूछ रहा हूँ कि इसमें से कौन सा एक संश्लेषित रबड़ है, लियोप्रेन, मोनोप्रेन, नियोप्रेन या फिर आइसोप्रेन, इसका आप लोगों का उत्तर दीजिए। बहुत बढ़िया बजरंग बली जी, कुणाल बिताले जी बहुत बढ़िया, रवि कुमार जी, रुपेश जी वेरी गुड, सभी लोग बिल्कुल सही उत्तर दे रहा है। यहाँ पर जितने भी डी देने वाले बच्चे हैं, याद रखिएगा डी वाले जो बच्चे हैं ना, आइसोप्रिन जवाब दे रहे हैं। कितनी बार बताया है आपको, आइसोप्रिन किसका मोनोमर है, नेचुरल रबड़ का, एक बार नहीं कई बार बताया गया। और प्रश्न में भाई साहब क्या पूछा गया है, यहाँ पर देखिए साफ साफ लिखा हुआ है सिंथेटिक रबड़ लिखा हुआ, यानी कि संश्लेषित रबड़ लिखा गया है। तो संश्लेषित रबड़ का जो दोस्तों बहुलक होता, मोनोमर जो होता है ना, वो क्या होता है, नियोप्रिन होता है। यानी कि आपका सही उत्तर डी नहीं, बल्कि आपका सही उत्तर क्या है दोस्तों, सी जो है, नियोप्रिन जो है वो आपका सही उत्तर है। नेचुरल रबड़ ये दोस्तों प्राप्त किया जाता है लेटेक्स नामक पौधे से। और दोस्तों रबड़ की जब बात करते हैं ना, रबड़ का जो वल्कनाइजेशन होता है, वल्कनीकरण होता है, रबड़ के वल्कनीकरण में दोस्तों वी यूज सल्फर, हम लोग किसका यूज करते हैं, सल्फर का यूज करते हैं रबड़ के वल्कनाइजेशन में। क्लियर है पॉइंट, समझ में आ गया सभी को। तो जो डी वाले हैं उनके साथ क्या करें बताओ, हाँ भाई सब डी वाले बताइए, मतलब तुरंत प्रश्न को पढ़ा नहीं, देखा नहीं, डी जवाब दे दिया, ये भी नहीं देखा कि नेचुरल रबड़ लिखा है या सिंथेटिक रबड़ लिखा हुआ है ना। थैंक यू,
चलिए अगले सवाल पर मूव करें आप। यहाँ तक अगर आप लोगों को कोई परेशानी, समस्या, दुविधा ना हो तो अगले सवाल पर मूव किया जाए। हाँ जी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल आपके स्क्रीन के ऊपर ये ब्लड ग्रुप एबी है। देखना, मैं गारंटी दे रहा हूं इस सवाल में भी कई बच्चे ऐसे हैं गलत जवाब देंगे, मुझे बिल्कुल पता है। ब्लड ग्रुप एबी, उसके पास क्या है? कोई प्रतिजन नहीं, कोई प्रतिरक्षी नहीं, ना तो प्रतिजन है ना ही प्रतिरक्षी है, दोनों प्रतिजन और प्रतिरक्षी दोनों मौजूद हैं। ठीक है, और निहारिका जी, मैं इसलिए तो हिंदी में सवाल को मैं बोल रहा हूं ना, अब बताइए अगर आपको समझ में नहीं आ रहा हो तो बता सकते हैं। इसलिए मैंने जो रक्त समूह ए बी है लिखा जा रहा है कि कोई प्रतिजन नहीं है, कोई प्रतिरक्षी नहीं है, ना तो प्रतिजन है ना ही प्रतिरक्षी है, और कहा जा रहा है चौथा कि प्रतिजन और प्रतिरक्षी दोनों हैं। मुझे पता था काफी बच्चे यहां पर गलत जवाब देंगे, और जवाब गलत जवाब देने वाले बच्चों का मैं नाम ले रहा हूं, मतलब किसका नाम लूँ, सभी बच्चे तो गलत ही जवाब दे रहे हैं। एक बच्चा है जिसने कि अभी तक सही उत्तर दिया है, और वो है नवीन विश्वकर्मा जी, बाकी सभी बच्चे गलत ही जवाब दे रहे। भाई कहाँ दिमाग छोड़ के आते हो, ये तो बताओ थोड़ा सा, है ना। मतलब बिल्कुल दिमाग का एकदम यूज ही नहीं करना। कब मैंने बता दिया कि ब्लड ग्रुप ए बी से उसमें कोई एंटीजन नहीं है? अरे यार टेबल भी बना के दिखाया था, इतने अच्छे से टेबल बनाया था मैंने कि यहाँ पर लिखा था, इधर ब्लड ग्रुप लिखा था ए बी, है ना, ऐसे करके लिखा था ना, ए बी और ओ, और मैंने बताया था, बहुत अच्छे से बताया था कि इसमें ए एंटीजन है, इसमें बी एंटीजन है, इसमें दोनों एंटीजन है, इसमें कोई एंटीजन नहीं है, इसमें दोनों एंटीजन है। एंटीबॉडी के बारे में बताया था कि इसमें आपका बी एंटीबॉडी है, इसमें ए एंटीबॉडी है, इसमें कोई एंटीबॉडी नहीं है, इसमें दोनों एंटीबॉडी, ये बताया था कि नहीं बताया था, याद करो, है ना। तो फिर भी आप कैसे गलत जवाब दे सकते हो, ठीक है ना। यहाँ पर दोस्तों इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, याद रखिएगा, इसका सही उत्तर जो हो जाएगा वो हो जाएगा इसके पास कोई एंटीबॉडी नहीं है, ठीक है ना, बी इज द करेक्ट आंसर। इसलिए ए बी ब्लड ग्रुप वाले जितने भी हैं ना, उनको मैं बता दूं, उनकी इम्यूनिटी ना बिल्कुल कम होगी, बाकी अन्य के मुकाबले अगर देखो तो ए बी ब्लड ग्रुप वाले ना थोड़े बीमारू किस्म के होते हैं, हमेशा सर्दी खांसी जुकाम ये सब मतलब होता ही रहता है उनको, ठीक है। और ए बी ब्लड ग्रुप वाले की बात करें तो दोस्तों इसे कहा जाता है यूनिवर्सल एक्सेप्ट, और इसमें भी ए बी पॉजिटिव वाले को, ठीक है ना, जबकि दोस्तों ओ को यूनिवर्सल डोनर कहते हैं, और ओ में भी किसी ओ नेगेटिव वाले को यूनिवर्सल डोनर कहा जाता है, याद रखिएगा। क्लियर है? हो सकता है प्रीति जी, बिल्कुल हो सकता है, है ना, अवश्य होगा। चलिए यहां तक डी कैसे हो सकता है शर्मिष्ठा जी, थोड़ा सा देखिए प्रश्न को, आप ना ध्यान से पढ़ती नहीं है सबसे पहली बात तो, है ना। प्रश्न में देखिए क्या लिखा हुआ, बोथ एंटीजन एंटीबॉडी लिखा हुआ है ना, यहाँ पर बोथ एंटीजन ए एंड एंटीजन बी नहीं लिखा हुआ है, ठीक है। तो एंटीबॉडी जब है ही नहीं तो दोनों कैसे हो पाएगा, बताइए। सवाल को थोड़ा पढ़ना पड़ेगा ना ध्यान से आपको, आया समझ में सभी को ये सवाल, या अभी भी किसी को कोई दुविधा परेशानी समस्या है तो बता सकते हैं आप हमें। वैसे सवालों में जब आप लोग गलत करते हैं ना तो पूरा मेरा मतलब मूड ही गड़बड़ा जाता है, है ना। इतने आसान सवाल में सभी बच्चे ने बिना सोचे समझे ये उत्तर दे दिया, है ना। अच्छा, इस टेबल को मैं रिपीट कर दूं, देखिए मैं इस टेबल को मैं बना ही देता हूं एक बार फिर से, ये देखिए, समझिएगा थोड़ा ध्यान से, ये मैं टेबल बना दे रहा हूं, ये देखिए यहां पर क्या है, ब्लड ग्रुप, यहां पर ये एंटीजन, और इसमें है आपका एंटीबॉडी। जो ए ब्लड ग्रुप है ना, ब्लड ग्रुप, यहां पर जो ए ब्लड ग्रुप है उसके पास एंटीजन कौन सा होगा, ए होगा, इसके पास एंटीबॉडी क्या होगा, जस्ट अपोजिट बी होगा, बी ब्लड ग्रुप वाले के पास एंटीजन कौन सा होगा, बी होगा, और इसके पास एंटीबॉडी ए होगा। ए बी वाले के पास दोनों ही एंटीजन होंगे, ए और बी, और ओ वाले के पास कोई भी एंटीजन नहीं होगा, जबकि इसके पास कोई एंटीबॉडी नहीं होगा, जबकि ओ वाले के पास बोथ दोनों ही एंटीजन होंगे, ठीक है, दोनों ही एंटीबॉडी होंगे, क्लियर है। चलिए
हाँ जी, ओ ब्लड ग्रुप में कोई भी एंटीजन नहीं होता, याद रखिएगा, ओ ब्लड ग्रुप जो होता है उसमें देर इज नो एंटीजन, ठीक है, दैट्स वाई उसे हम लोग ओ ब्लड ग्रुप कहते हैं। ठीक है, चलिए अगले सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल, अगला प्रश्न, आर्थराइटिस इज कॉज्ड बाय द डिपोजिशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इन द ज्वाइंट्स ऑफ द बॉडी। कहा जा रहा है कि जो गठिया नामक जो बीमारी होती है हमारे ज्वाइंट्स पर, यानी कि हमारे जो हड्डियों के जो जोड़ होते हैं उस पर क्या जम जाने से, किसके डिपोजिशन से, किसके जमा हो जाने से गठिया नामक बीमारी होती है, ये आपसे पूछा जा रहा है। यूरिया, यूरिक एसिड, एल्बुमिन या कोलेस्ट्रॉल। और इसमें भी देखना, काफी बच्चे इसमें भी गलत उत्तर देंगे, है ना, मुझे पता है आप लोगों का जो आप लोग क्या कर रहे हैं हमें पता चल रहा है, और क्या नहीं कर रहे हैं वो भी हमें पता चल रहा है ना, क्या नहीं कर रहे हैं वो है रिवीजन, ठीक है ना, जो कि सबसे जरूरी है ना, और क्या कर रहे हैं आप लोग तो वो आप लोगों को अच्छे से पता होगा, ठीक है, अगर रिवीजन नहीं कर रहे हैं तो क्या कर रहे हैं। और देखिए यहाँ पर बच्चे गलत जवाब दे भी रहे हैं, कुछ बच्चे हैं सी वाले, जैसे रवि कुमार जी हैं, बजरंग बली जी हैं, है ना। चलिए, रुपेश गुप्ता जी डी बता रहे हैं, बहुत बढ़िया, ठीक है। चलिए हम लोग जब बात करते हैं दोस्तों कोलेस्ट्रॉल, कोलेस्ट्रॉल जो हमारे देश के अंदर सबसे बड़ा रीजन है किसका, हार्ट अटैक का, ठीक है। हार्ट अटैक जो होता है दोस्तों वो किसके कारण होता है, कोलेस्ट्रॉल के कारण, क्योंकि कोलेस्ट्रॉल दोस्तों हमारे ब्लड वेसल्स में जाकर क्या होता है, डिपॉजिट हो जाता है, खास करके जो कॉरोनरी आर्टरी होता है उसके अंदर जाकर डिपॉजिट होता है, और जिसके कारण दोस्तों वो ब्लॉक हो जाता है, जिससे हार्ट अटैक हो जाता है, ब्लड का सप्लाई जो है वो बंद हो जाता है कहाँ पर, हार्ट के उसमें, ठीक है। और जब दोस्तों हमारे पूरे बॉडी में ब्लड की सप्लाई की कमी होती है ना, दैट पर्टिकुलर कंडीशन इज कॉल्ड इस्केमिया, उसे हम लोग इस्केमिया कहते हैं। यूरिया की बात करता है दोस्तों, तो याद रखिएगा यूरिया को तो हमारा बॉडी फिल्टर कर देता है, हमारी बॉडी के अंदर एक पर्टिकुलर अंग है इसी यूरिया को फिल्टर करने के लिए, जिसका नाम है किडनी, है ना, विच इज मेडअप ऑफ नेफ्रॉन सेल्स, एंड नेफ्रॉन सेल्स इज मेडअप ऑफ ग्लोमेरुलस कैप्स्यूल, बमिन कैप्स्यूल एंड ग्लोमेरुलस, ठीक है। यूरिया का फॉर्मूला है Na2CO(NH2), है ना, हमारे शरीर के अंदर जो हमारा ब्लड है उसमें यूरिया की उचित मात्रा कितनी है, 20-40 mg पर 100 ml, और यूरिया की मात्रा अगर अधिक होती है तो दैट कंडीशन इज कॉल्ड यूरिमिया। लेकिन दोस्तों ये यूरिक एसिड जो है, अगर इस यूरिक एसिड की मात्रा, इस यूरिक एसिड को कन्वर्ट करने का काम होता है यूरिया में किसका, ये काम होता है लीवर का, लीवर नामक जो अंग है वो क्या करता है, हमारे शरीर के अंदर जो यूरिक एसिड और जो अमोनिया है उसको यूरिया में कन्वर्ट करता है। बट लीवर अगर मान के चलिए खराब हो जाए, लीवर प्रॉपर वर्क नहीं करे और ये यूरिक एसिड यूरिया में कन्वर्ट नहीं हो रहा है, तो ये यूरिक एसिड क्या होता है, जो हमारे बोन जो होता है ना, हमारे बोन के जो ज्वाइंट्स होते हैं, इन ज्वाइंट्स पर जाकर ये क्या होता है, डिपॉजिट होना शुरू हो जाता है। और जब ये बोन के ज्वाइंट पर जाकर डिपॉजिट होता है ना, उससे दोस्तों हमारे बोन ज्वाइंट पर क्या होता है, पेन होना शुरू हो जाता है। जिस पर्टिकुलर कंडीशन को, जिस स्थिति, जिस परिस्थिति को क्या कहा जाता है, आर्थराइटिस या गठिया कहते हैं। आर्थराइटिस के भी अलग अलग प्रकार हैं, एक है रूमेटॉयड, एक है दोस्तों आपका गाउट, और एक है आपका, याद रखिएगा, ऑस्टियो, ठीक है ना, जो आपका गाउट है, गाउट नामक गठिया में यूरिक एसिड हमारा क्या होता है, डिपॉजिट हो जाता है, ठीक है, इस चीज को भी आपको याद रखना। वर्ल्ड वर्ल्ड आर्थराइटिस डे इट इज ऑब्जर्व्ड ऑन 12th of October, अभी अभी हम लोगों ने कुछ समय पहले पढ़ा था इस चीज का, ठीक है। वंदना कुमारी जी, इस वीक में स्टार्ट होने वाली है प्लस पर क्लास, मोस्ट एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज फॉर सीटेट पेपर टू साइंस, उसका एक सेशन स्टार्ट हो जाएगा कुछ दिन में, ठीक है, बहुत बढ़िया। कुणाल जी, आप कोई भी सब्जेक्ट देख सकते हैं, सारे सब्जेक्ट जो है यूट्यूब पर अवेलेबल है, ठीक है। चलिए, अनअकैडमी के ऐप पर जो क्लास होती है वो होती है 3 PM पर स्पेशल क्लास, जिसमें हम लोग GS के मॉक को डिस्कस करते हैं, ठीक है। और सेशन को आप लोग लाइक भी करते रहिए, इसी प्रकार शेयर भी करते रहिए। एल्बुमिन नामक जो प्रोटीन है दोस्तों, ये हमारे कहाँ पर मिलता है, ये हमारे एग, एग जब दोस्तों खाते हैं तो उसके अंदर कौन सा प्रोटीन आपको मिलता है, यही एल्बुमिन नामक प्रोटीन मिलता है, याद रखेंगे इस चीज़ को। अगले सवाल पर चलते हैं हम लोग, अगला सवाल, अगला प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, हाइड्रोफोबिया इज कॉज्ड बाय, हाइड्रोफोबिया एक बीमारी है, ये किसके कारण होती है, बैक्टीरिया के कारण, फंगस के कारण यानी फंगाई, वायरस यानी विषाणु के कारण, या प्रोटोजोआ के कारण, किसके कारण ये बीमारी होती है, याद रखिएगा। हाँ, कल आपके अनअकैडमी पर ऐप पर क्लास नहीं है, है ना, आपकी परसों होगी 3 से 4:30, ठीक है, तो इसका आप लोग उत्तर दीजिएगा, क्या सही उत्तर है इस सवाल का, हाइड्रोफोबिया।
तो दोस्तों हाइड्रोफोबिया की बात करते हैं। इस हाइड्रोफोबिया नामक बीमारी को ही क्या कहते हैं, रैबीज कहते हैं, ठीक है ना। क्या कहते हैं इसे, रैबीज कहते हैं हम लोग। और जब दोस्तों बात करते हैं हाइड्रोफोबिया की, तो हाइड्रोफोबिया नामक जो बीमारी होती है ये एक वायरस के कारण होती है, जिस वायरस का नाम है दोस्तों क्या, रॉब द वायरस, है ना। किस वायरस के कारण होती है, रॉब द वायरस, या इसे दोस्तों रूबेला वायरस भी कहा जाता है, याद रखेंगे। दोस्तों रैबीज का जो टीका डेवलप किया था वो किसने किया था दोस्तों, लुई पास्चर ने किया था। बट वर्ल्ड रैबीज डे ये दोस्तों कब मनाते हैं, 28 सितंबर को मनाते हैं, जिसके एक दिन बाद। 29 को दोस्तों वर्ल्ड हर्ट डे, जिसके एक दिन पहले। 27 को क्या मनाता है, वर्ल्ड टूरिज्म डे, ठीक है, इस चीज को भी याद रखेंगे। वायरस इसकी दोस्तों खोज करने वाले साइंटिस्ट का नाम है इवानोवास्की, ये तथ्य भी आप याद रखेंगे। जबकि प्रोटोजोआ की खोज आरएच विटेकर ने करी थी, फंजाई की भी खोज आरएच विटेकर ने करी थी, जब बैक्टीरिया इसकी खोज एंटनी वन लेवनहॉक ने करी थी, ये भी आप याद रखेंगे। इस तरह इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन सी, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी, जो वायरस की स्टडी होती है उसे वायरोलॉजी कहते हैं। और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी जो है ये कहाँ पर है, पुणे में स्थित है, याद रखिएगा इस चीज़ को। जबकि फांजाई की स्टडी को दोस्तों हम लोग माइकोलॉजी कहते हैं, इस चीज़ को भी आपने याद रखना है। अगले सवाल पर चलते हैं हम लोग। अगला सवाल, अगला प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए केमिकल चेंज, इसमें कौन सा एक केमिकल चेंज है, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स, कुकिंग ऑफ वेजिटेबल्स, कटिंग ऑफ फ्रूट्स, या फिर बॉइलिंग ऑफ वाटर, है ना। इसमें से कौन सा एक केमिकल चेंज है ये आपको बताना है, ठीक है, कि ट्विंकलिंग ऑफ स्टार, कुकिंग ऑफ वेजिटेबल्स, कटिंग ऑफ फ्रूट्स, या फिर बॉइलिंग ऑफ वाटर। अच्छा, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स किसके कारण होता है आप बता सकते हैं, स्टार जो ट्विंकल करते हैं, चमकते हैं, वो किसके कारण, स्टार्स जो होते हैं दोस्तों उनके अंदर जो एनर्जी होती है वो किसके कारण होती है, दैट इज ड्यू टू न्यूक्लियर फ्यूजन, है ना, नाभिकीय संलयन के कारण। और स्टार जो दोस्तों, स्टार की जो लाइट होती है ना, वो किसके बारे में बताती है, वो उसके टेम्परेचर के बारे में बताती है, ठीक है, कि कितना उसका तापमान होगा। बट वन वी टॉक अबाउट केमिकल चेंज एक इरिवर्सिबल प्रोसेस है, जिसके अंदर दोस्तों क्या होता है आप जानते हैं, जिससे जिसके अंदर भार में परिवर्तन होता है, जिसमें नए पदार्थ बनते हैं, है ना। तो यहाँ पर दोस्तों जो कुकिंग ऑफ वेजिटेबल्स है, वेजिटेबल भोज जो का पकना, ये दोस्तों क्या है आपका, ये एक केमिकल चेंज है, बाकी सभी जो आपके हैं वो आपके केमिकल चेंज नहीं है। और दोस्तों ट्विंकलिंग ऑफ स्टार जो होता है, दैट इज ड्यू टू रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, है ना, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के कारण दोस्तों क्या होता है आपका, जो जो आपके तारे हैं, तारे में आपकी चमक होती है, ठीक है। तो इसका दोस्तों सही उत्तर क्या है, इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, वेजिटेबल का उत्पादन क्या कहलाता है, ऑलरी कल्चर कहलाता है। जबकि दोस्तों फ्रूट्स और वेजिटेबल्स दोनों को साथ साथ जब उत्पादन करते हैं तो उसे दोस्तों क्या कहते हैं, हॉर्टिकल्चर कहते हैं, याद रखिएगा इस चीज को। फ्रूट्स की स्टडी को पोमोलॉजी कहते हैं, नेशनल फ्रूट रिसर्च इंस्टीट्यूट ये कहाँ पर है, भागलपुर के सबौर में स्थित है, ये भी आपको याद रखना है। अगले सवाल पर चलते हैं, अगला सवाल, अगला प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा, विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू व्हेन मिल्क चेंजेस इनटू कर्ड, कहा जा रहा है कि इसमें से कौन सा कथन सही है, जब मिल्क चेंज होता है किसमें, कर्ड में, ठीक है। इट्स स्टेट इज चेंज्ड फ्रॉम लिक्विड टू सेमी सॉलिड, यानी कि इसका जो अवस्था है वो द्रव से अर्ध या फिर अर्ध ठोस की अवस्था में कन्वर्ट हो जाता है। इट चेंजेस कलर, इसका कलर चेंज हो जाता है। इट चेंजेस टेस्ट, इसका टेस्ट कलर चेंज हो जाता है। द चेंज कैन नॉट बी रिवर्स्ड, इस चेंज को रिवर्स नहीं किया जा सकता। इसमें कौन सा कथन सही है, मिल्क जब चेंज होता है कर्ड में उसके बारे में बताइए। सभी लोग इसका उत्तर दें, हाँ जी बताओ। हाँ जी आभा जी, मेरे घर की तरफ, मेरे घर से ना पास ही है, मैं जाता रहता हूँ वहाँ पर घूमने के लिए कभी कभी इवनिंग में। मेरे घर से मुश्किल से कितना, 3-4 किलोमीटर होगा। चलिए बात करता है दोस्तों जब सवाल की, तो याद रखिएगा पहले तो मिल्क जब आपका कर्ड में कन्वर्ट होता है तो इस प्रक्रिया को दोस्तों क्या कहते हैं, फर्मेंटेशन कहते हैं, है ना। और जब मिल्क कर्ड में कन्वर्ट होता है तो दोस्तों टेस्ट इसका कन्वर्ट होता है किसके कारण, लैक्टिक एसिड के कारण, ठीक है। इसका दोस्तों लिक्विड से सेमी सॉलिड में कन्वर्ट होता है, बिल्कुल ये कलर चेंज हो जाता है क्या, बिल्कुल चेंज नहीं होता, टेस्ट बिल्कुल क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। और इससे हम लोग रिवर्स भी नहीं कर सकते, यानी कि 1, 3 और 4 इज द राइट आंसर, यानी कि ऑप्शन सी जो है ये हमारा सही होगा,
है ना। और फर्मेंटेशन की खोज भी किस करने वाले कौन है, फर्मेंटेशन की खोज भी किसने करी है, लुई पाश्चर ने करी है, ये आप लोग जानते हैं, है ना। क्लियर है यहां तक सभी को? कैन आई मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। और जिस बैक्टीरिया के प्रेजेंस में ये मिल्क कर्ड में कन्वर्ट होता है, दैट बैक्टीरिया इज लैक्टोबैसिलस। क्या नाम है उस बैक्टीरिया का? लैक्टोबैसिलस। ओके, चलिए नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं हम लोग। अगला सवाल, अगला प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। एक्वाटिक एनिमल्स लाइक फिश एक्सक्रीट देयर वेस्ट्स इन द गैसियस फॉर्म एज ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, अमोनिया और नाइट्रोजन, है ना। इसका आप लोग जवाब दीजिएगा। सोनभद्र उत्तर प्रदेश में है ना, सबसे सोनभद्र के बारे में मैंने सुना है कि सबसे ज़्यादा राज्यों को टच करने वाला जिला है, नहीं उत्तर प्रदेश का वह जिला जो सबसे ज़्यादा राज्यों को टच करता है ना, ऐसा ही है ना आभा जी, आपको तो ज़्यादा पता होगा, आप बिलोंग करते हैं सोनभद्र से। चलिए, एक्वाटिक एनिमल्स लाइक फिश यानी कि मछली जैसे जो जलीय जीव हैं वो अपना वेस्ट गैसियस फॉर्म में एक्सक्रेट करते हैं, वो गैसियस फॉर्म में किस फॉर्म में एक्सक्रेट करेंगे बताना है आपको। यहाँ पर जब बात करते हैं दोस्तों, ऑक्सीजन बिल्कुल नहीं, हाइड्रोजन बिल्कुल नहीं, क्या है दोस्तों? अमोनिया, ठीक है। इसलिए फिश को हम लोग क्या कहते हैं? एमिनोटैलिक कहते हैं, एमिनोटैलिक कहा जाता है फिश को। कैसा जीव कहा जाता है? एमिनोटैलिक कहा जाता है। एंड अमोनिया का फॉर्मूला होता है NH3। और याद रखिएगा अमोनिया के बारे में, ये हमारे शरीर के अंदर भी मौजूद सबसे पॉइजनस सब्सटेंस है, क्या? अमोनिया, याद रखिएगा इस चीज को, ठीक है। क्लियर है यहां तक? बताओ हाँ या नहीं। चलिए, यहां तक अगर आपका क्लियर है तो आप लोग चलते हैं हम लोग। अब फिश के बारे में याद रखिएगा, फिश का जो हर्ट होता है ना उसमें आपके टू चैम्बर्स होते हैं, इसलिए फिश में आपका कोई वाल्व वगैरह नहीं होता। और फिश के अंदर कैसा ब्लड होता है? इम्प्योर ब्लड होता है। फिश के स्टडी को हम लोग इक्थायोलॉजी कहते हैं, है ना, इस चीज़ को भी आपने याद रखना है, ठीक। और फिश रेस्पायर कहाँ से करते हैं? द रेस्पायर फ्रॉम गिल्स, गिल्स से वो रेस्पायर करते हैं यानी कि गलफरे से वो श्वसन करते हैं, याद रखिएगा। अगले मुद्दे पर चलते हैं। अगला मुद्दा, ऑक्सीजन की खोज प्रेस्टल ने करी है, हाइड्रोजन की खोज कैवेंडिश ने करी है, नाइट्रोजन की खोज किसने? रदरफोर्ड ने करी है, याद रखिएगा इस चीज को भी, क्योंकि कभी कभी ऐसे प्रश्न भी आपसे पूछ लिए जाएंगे। अगला सवाल आपके स्क्रीन के ऊपर है। बस ट्रेवल्स 54 किलोमीटर इन 90 मिनट्स, द स्पीड ऑफ द बस इज, आसान सा सवाल, इजी सा क्वेश्चन, आप लोग इसका उत्तर दीजिए। क्या इसका उत्तर होगा? एक बस है 54 किलोमीटर ट्रेवल करता है 90 मिनट में, तो उस बस की स्पीड क्या होगी? 0.6 मीटर पर सेकंड, 10 मीटर पर सेकंड, 5.4 मीटर पर सेकंड और 3.6 मीटर पर सेकंड। इजी क्वेश्चन अगेन, बस आपको कन्वर्ट करना है इसे, देखते हैं कौन कौन कन्वर्ट कर पाता है। हाँ बहुत बढ़िया रत्नेश जी, आभा सिंह जी, मैं हिंदी में सवाल को पढ़ रहा हूँ ना। एक बस 90 मिनट में 54 किलोमीटर यात्रा करता है, उस बस की चाल क्या है ये आपको बताना है, ठीक है। चलिए देखते हैं, सॉल्व करते हैं इस सवाल को। 54 किलोमीटर इन 90 मिनट, ठीक है ना, 90 मिनट में 54 किलोमीटर, तो 6 मिनट में कितना, 60 मिनट में कितना किलोमीटर करेगा बताइए, एक घंटे में कितना किलोमीटर करेगा? 36 किलोमीटर करेगा, है ना। और इस 36 किलोमीटर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर देना, मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं? 5/18 से गुना करते हैं, 5 × 10 यानी 10 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। किसी को समझ में नहीं आया हो तो बता सकते हैं, मुझे लग रहा है ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है ना, दूसरी बार ये क्वेश्चन मैंने आई थिंक दे दिया है इसमें, है ना, ऐसा लग रहा है ना रिपीटेड क्वेश्चन है, मुझे पता नहीं ऐसा ही लग रहा है, ठीक है। निहारिका जी बिल्कुल मैं प्रयास करूँगा, ठीक है। चलें आगे, एनसीईआरटी के सारे सवाल कुछ दिनों में आपके, 2-3 सेशन के बाद एनसीईआरटी के सारे सवाल खत्म हो जाएंगे, है ना। तो जितना मैंने सवाल करवा दिया ना एनसीईआरटी बेस्ड, इसी को बस ये 20 लेक्चर देख लो ना, मैं गारंटी देता हूँ आपको आराम से आप 25 प्लस क्वेश्चन सीटेट के साइंस में करके आएंगे। जितना मैंने करा दिया आपको, ये 20 सेशन अगर कोई देख लेगा, बस 20 सेशन देखना, आप आराम से 25 प्लस क्वेश्चन करके आओगे सीटेट में साइंस के, है ना। चलिए, अच्छा नया सवाल है क्या?
ओके पता नहीं मुझे समझ, मैंने पता नहीं, मुझे लगा रिपीट हुआ है, कोई नहीं। अगला सवाल, बूजो वॉक्स टू हिज स्कूल विच इज एट डिस्टेंस ऑफ 3 किलोमीटर फ्रॉम हिम होम। देखिए बूजो कह रहा है कि बूजो जो है अपने स्कूल जाती है, यहाँ पर इसका विद्यालय है बूजो का, है ना। हाँ ये बूजो का विद्यालय है और बूजो यहाँ से अपना जाती है पैदल, कितना दूर है ये 3 किलोमीटर, है ना। और ये यहाँ से जाती है 30 मिनट में यहाँ पर पहुँचती है, ठीक है। फिर ये वापस आती है अपने फ्रेंड के साथ, वापस आती है यहाँ से, लेकिन वो वापस कैसे आती है, साइकिल से आती है, कितने देर में, 20 मिनट में वापस आ जाती है। आपसे पूछा जा रहा है कि उसका एवरेज स्पीड क्या है, बूजो का एवरेज स्पीड किलोमीटर पर आवर में बताना है, किलोमीटर पर आवर में बूजो का औसत चाल बताना है क्या होगा। आभा सिंह जी देखिए आपको पेड लेना है तो आप अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, है ना। और अनअकैडमी पर आपकी क्लासेस होती है, स्पेशल क्लासेस होती है, और अनअकैडमी पर आपकी पेड टेस्ट्स भी अवेलेबल हैं, क्विजेस भी अवेलेबल हैं, आप वहाँ पर ले सकते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर एनसीईआरटी जो थ्योरी के साथ साथ थ्योरी एंड एमसीक्यूज दोनों की क्लास होगी, जो रिविजन सीरीज होगा सीटेट के लिए, ठीक है। सीटेट का जो आपका 2 मंथ है, इस 2 मंथ में हम लोग जितने भी चैप्टर्स हैं साइंस के उसे एक बार पूरा कंप्लीट रिवीजन करेंगे, ठीक है। बिल्कुल आप इनफ, मोर देन इनफ है कुणाल जी। आप देखिए देखिए मैं कुछ नहीं ऐसा कहूंगा कि आप सवाल, आप सेशन को देखिए, लेक्चर्स देखिए, उसके बाद आप सवाल कीजिए, आपको खुद ही आइडिया लग जाएगा कि क्या आपका, आपके एग्जाम के लेवल का है या नहीं है, ठीक है। यहाँ पर जब बात करते हैं, देखिए इस सवाल को जब सॉल्व करेंगे तो हमें एवरेज स्पीड निकालना है, जाने में कितना टाइम लग रहा है भाई जी, टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया इसने, 6 किलोमीटर। अब देखिए जाने में इसे टाइम लग रहा है कितना, 3, तो मतलब जो आपका जाने में जो टाइम लगेगा वो कितना लग रहा है, 30 मिनट, यानी कि आधा घंटा, ठीक है। और टोटल टाइम टेकन, आने में टोटल टाइम कितना लग रहा है, 20 मिनट, यानी कि 20 मिनट को हम लोग क्या 1/3 आवर लिखेंगे, यही लिखेंगे ना। तो टोटल आपका 6 अपन आप इसे सॉल्व कीजिए तो ये आपका क्या हो जाएगा, 2 3 6 होगा, एंड फिर यहाँ पर 2, यहाँ पर 3 होगा, प्लस 2 होगा, यानी कि 36/5 हो जाएगा। 36/5 को आप सॉल्व करोगे 7.2 किलोमीटर पर आवर आ जाएगा। सॉल्व कर लेंगे, आप लोग इंटेलिजेंट हैं इस चीज़ में, तो इसका सही उत्तर क्या है, ऑप्शन बी 7.2 किलोमीटर पर आवर इज द राइट आंसर, ठीक है। आ गया सभी को समझ में ये सवाल, हाँ या नहीं बताइए। बूझो कैसे स्कूल गई और कैसे आई और उसका एवरेज स्पीड क्या हुआ। हाँ जी बताओ, और नहीं समझ में आया है ना तो वो भी बताओ, ठीक है, क्योंकि मेरा मेन मोटो होता है आप लोगों को समझाना, मुख्य उद्देश्य जिसे हम लोग कहते हैं, ठीक है। क्योंकि चीजें अगर समझ में आ गई तो आपके पास डाटा भी अगर चेंज हो गया ना तो आप आसानी से उसे टैकल कर लेंगे। अगला सवाल है, बूजो एंड पहेली वेयर गिवन वन मिनर इच मिरर इच बाय देयर टीचर। देखिए बूजो और पहेली है, उसे अलग अलग एक मिरर दिया उसके शिक्षक ने। बूजो फाउंड हिज इमेज टू बी इरेक्ट एंड ऑफ द सेम साइज, यानी बूजो जब अपने आप को देखती है मिरर में तो उसका जो इमेज है सीधा है और बिल्कुल जितना उसका आकार है उसी के बराबर है, ठीक है। जबकि पहेली जब अपना इमेज देखती है ना, सीधा तो है लेकिन उसका जो साइज है ना वो स्मॉल हो जा रहा है उसमें मिरर में, ठीक है। तो इसका मतलब है, दिस मीन्स दैट मिरर ऑफ बूजो एंड पहेलिया, जो बूजो और पहेली के पास जो मिरर है वो कैसा कैसा है, प्लेन मिरर एंड कॉन्वेक्स, कॉनकेव मिरर है, कॉनकेव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर है, प्लेन मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर है। कॉन्वेक्स का मतलब उत्तल होता है, कॉनकेव का मतलब अवतल होता है। मैं हिंदी में एक बार बोल दे रहा हूँ इस चीज़ को, ठीक है। तो आपको बताना है क्या सही उत्तर होगा। प्लेन का मतलब आप लोग जानते हैं समतल होता है। मैं सवाल को एक बार फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ, बूजो और पहेली को उसके शिक्षक ने एक एक अलग अलग दर्पण दिया, ठीक है। बूजो जब अपना इमेज देखती है तो सीधा और जितना उसका साइज है उसके बराबर उसको प्रतिबिंब दिखता है, जबकि पहेली जब अपना इमेज देखती है तो उसको अपना प्रतिबिंब सीधा तो दिखता है लेकिन उसके आकार से छोटा दिखता है उसको अपना प्रतिबिंब। तो पूछा जा रहा है बूजो और पहेली के पास कौन कौन सा प्रतिबिंब, कौन कौन सा मिरर है, ठीक है। बहुत बढ़िया, ये तानिया जी जितने भी क्वेश्चन है ना सारे क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी के ही हैं, है ना। यहाँ पर एक एक सवाल जो मैं करा रहा हूँ ऑल क्वेश्चन आर फ्रॉम एनसीईआरटी, ठीक है। ये एनसीईआरटी बेस्ट सीरीज ही है ना। और यहाँ पर दोस्तों जानते हैं कि अब प्लेन मिरर में हमारा इमेज कैसा बनता है, सीधा बनता है, इरेक्ट बनता है।
जबकि दोस्तों जो कॉन्वेक्स मिरर है, कॉन्वेक्स मिरर में भी हमारा इमेज सीधा बनता है, और कैसा बनता है, वस्तु से छोटा बनता है। हाँ, यहाँ पर अगर वस्तु से बड़ा रहता तो फिर हमारा उत्तर क्या हो जाता, देन आवर आंसर इज ऑप्शन ए, ठीक है ना। यहाँ पर अगर ये रहता इमेज इरेक्ट एंड लार्जर देन लार्जर इन साइज, ठीक है ना, तब फिर हमारा जवाब क्या हो जाता, कॉनकेव मिरर। क्योंकि इन कॉनकेव मिरर लास्ट केस में जो होता है ना, कॉनकेव मिरर में जो आपका इमेज बनता है वो कैसा बनता है, वो आपका इरेक्ट और लार्जर देन क्या होता है, ऑब्जेक्ट बनता है, ठीक है। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। चलिए अगले सवाल पर मूव करें। यहां तक सभी को समझ में आ गया हो तो पहेली और बूझो दोनों की कहानी समझ में आ गई हो आप लोगों को, तो चलिए अगले सवाल पर चलते हैं हम लोग। अगला सवाल आपके स्क्रीन के ऊपर, एनिमे इज फॉर्म्ड बाय लेंस इज इरेक्ट, सच एन इमेज कुड बी फॉर्म्ड बाय ए। कहा जा रहा है कि एक जो लेंस है उसके द्वारा सीधा प्रतिबिंब बनाया जा रहा है, इस प्रकार का प्रतिबिंब किसके द्वारा बनेगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। कन्वेक्स लेंस प्रोवाइडेड दैट द स्मॉल इमेज इज स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट। दूसरा कहा जा रहा है कॉनकेव लेंस प्रोवाइडेड दैट इमेज इज स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट। तीसरा कहा जा रहा है कॉनकेव लेंस प्रोवाइडेड दैट इमेज इज लार्जर देन ऑब्जेक्ट। और चौथा है कॉनकेव लेंस प्रोवाइडेड दैट इमेज इज ऑफ सेम साइज। इसका क्या सही उत्तर होगा, ये आपको बताना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15, इसका आप लोग उत्तर दीजिए। बहुत ही बेहतरीन सवाल है, ये भी काफी अच्छा सवाल है, सवाल को बस समझने की जरूरत है। कहा जा रहा है कि एक लेंस के द्वारा जो इमेज बन रहा है ना वो सीधा बन रहा है, तो ये इमेज कैसे किसके द्वारा बनाया जा सकता है। पहला है उत्तल लेंस, उस कंडीशन में जब आपका इमेज जो है स्मॉलर है, उसके बाद कॉनकेव लेंस है, कॉनकेव लेंस है, कॉनकेव लेंस है। तो सवाल को पढ़िए और जवाब दीजिए। देखिए जो बच्चा सीरियसली सवाल को पढ़ता है ना, सीरियसली सवाल को समझता है ना, वो बच्चा बिल्कुल सही उत्तर देता है। जैसे मैं कुछ बच्चों के नाम लूंगा, अभी जवाब आ जाने दीजिए सभी बच्चों के, फिर मैं कुछ बच्चों के नाम लेता हूँ जिन्होंने सही उत्तर दिया है, और दे विल डेफिनेटली सक्सीड, वो जरूर सफल होंगे, इस बात को याद रखिए, है ना। और जब सफल होंगे तो मैं आपको इंटरव्यू में बताऊं, मतलब जब उनका इंटरव्यू लूंगा तो आपको पता चलेगा कि उन्होंने क्या गलतियां नहीं करी और आपने क्या गलतियां करी, ठीक है ना। चलिए तो यहाँ पर देख सकते हैं नवीन विश्वकर्मा जी और बजरंग बली जी, ये दो बच्चे हैं ना, इन्होंने सही उत्तर दिया है, बाकी सभी बच्चों ने गलत उत्तर दिया। भाई साहब कॉनकेव लेंस जो होता है ये आपका स्मॉलर ऑब्जेक्ट जो है सीधा इरेक्ट नहीं बनाता है। जब कॉनकेव लेंस की बात करते हैं दोस्तों, कॉनकेव लेंस जो होता है आपका सीधा और कैसा स्मॉलर ऑब्जेक्ट बनाता है। कितना भी लेंस पढ़ा लो, कितना भी मिरर पढ़ा लो, बच्चे अगर गलती करने का संकल्प ले लिया ना बच्चों ने, वो गलत करेंगे ही करेंगे। तो सही उत्तर इसका क्या है दोस्तों, इट्स करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। लेंस और मिरर को रिवाइज करो भैया, क्योंकि लेंस और मिरर से आपके सीटेट के एग्जाम में सवाल बनेंगे ही बनेंगे, है ना। इस भूल में ना रहें कि लेंस और मिरर से सवाल नहीं बनेंगे। लाइट इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, हीट इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, साउंड इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, आपका एसिड बेस एंड सॉल्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, सॉल्यूशन आपका एक काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, है ना। ये सारी चीजें आपको याद रखनी है। अगले सवाल पर चलते हैं दोस्तों, अगला सवाल, अगला प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला सवाल आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा, वन ऑफ द एसेंशियल मिनरल इन द ह्यूमन बॉडी इज सॉल्ट, हाउ मच सॉल्ट इज इन द एवरेज एडल्ट ह्यूमन बॉडी। कहा जा रहा है कि जो मनुष्य के शरीर के अंदर जो सॉल्ट है ना, वो एक एसेंशियल मिनरल है, एक जरूरी खनिज है। हमारे शरीर के अंदर कितना NaCl यानी जो टेबल सॉल्ट है, हमारे शरीर के अंदर कितना होता है, 250 ग्राम होता है, 1 किलोग्राम होता है, 2 किलोग्राम होता है, 500 ग्राम होता है, हमारे बॉडी में कितना होता है ये आपको बताना है। तो इसका आप लोग उत्तर दें। तानिया जी ने बिल्कुल सही उत्तर दिया है। याद रखिएगा जो NaCl होता है हमारे शरीर के अंदर कितना होता है, 250 ग्राम, 250 ग्राम NaCl होता है, याद रखिएगा हमारे बॉडी में। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। इस सवाल में आपको कुछ भी मतलब समझने का कोई फंडा नहीं है, इसमें बस आपको याद रखना है NaCl करता क्या है, ये आपको जरूर याद रखना है कि NaCl हमारे ब्लड के अंदर रहकर क्या करता है, तो ये हमारे ब्लड के अंदर ब्लड के प्रेशर को क्या करता है, मेंटेन करने का काम करता है। इसलिए लो बीपी वाले जो होते हैं उनको कहते हैं भाई साहब थोड़ा सा नमक तेज खाइए, हाई बीपी वाले को डॉक्टर सलाह देते हैं भाई साहब नमक थोड़ा सा कम खा लिया करो, ठीक है। तो याद रखिएगा इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, 250 ग्राम ऑन एवरेज हमारे शरीर के अंदर साल्ट की मात्रा होती है, जबकि मैग्नीशियम जो होती है वो 25 ग्राम होती है, याद रखना है, ठीक है। बात करते हैं इसके बाद अगले सवाल की, चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न, अगला सवाल आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द यूनिट ऑफ इम्पल्स, इम्पल्स यानी जिसे हम लोग कहते हैं आवेग,
आवेग की दोस्तों इकाई क्या है ये आपको बताना है, न्यूटन, न्यूटन सेकंड, न्यूटन पर सेकंड या फिर न्यूटन पर सेकंड इसका है, क्या इसका सही उत्तर है बताना है आपने। इम्पल्स की एसआई यूनिट क्या है, और सेशन को आप लोग जो बच्चे देख रहे हैं लाइक भी कीजिए सभी लोग, और सेशन को आप लोग शेयर भी कीजिए। लाइट तो करवा दिया है ना, लाइट जाकर देखिए, सर्च कीजिए लाइट, हेलो टीचर्स लाइट बाय ज्ञान प्रकाश झा, या आप सर्च करें आपका आ जाएगा, आप उसे जाकर देखिए जितनी भी बार देखना है ना। मैंने तो एक एक टॉपिक करा दिया है आप लोगों को, कोई ऐसा टॉपिक जो नहीं कराया, जो टॉपिक नहीं कराया ना जैसे केमिकल रिएक्शन वगैरह वो भी मैं करवा दूंगा कुछ दिन, ठीक है। यहाँ पर दोस्तों इंपल्स की बात करते हैं, आई इज इक्वल टू क्या होता है, फोर्स इंटू टाइम इंटरवल, ठीक है। फोर्स का यूनिट क्या न्यूटन, टाइम का यूनिट क्या सेकंड, ठीक है। इसी को दोस्तों हम लोग केजी मीटर पर सेकंड भी कहते हैं, ठीक है ना। और दोस्तों इंपल्स और मोमेंटम दोनों का यूनिट, दोनों का डायमेंशन क्या होता है, सेम होता है। इसका डायमेंशन क्या है दोस्तों, एम एल टी माइनस वन, ठीक है। ये इसका डायमेंशन है किसका, इंपल्स का। और चेंज इन जो आपका मोमेंटम, मोमेंटम के अंदर जो चेंज होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों, इंपल्स कहते हैं। यानी कि हमारा सही उत्तर क्या है, न्यूटन सेकंड इज द राइट आंसर। क्लियर है पॉइंट, न्यूटन सेकंड इज द करेक्ट आंसर। यहां तक किसी को कोई कोई समस्या, कोई परेशानी तो आप लोग बताइए, फिर हम लोग चलेंगे अगले सवाल के ऊपर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। अगला सवाल, अगला प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा, द स्फेरिकल स्ट्रक्चर ऑर्गेनल दैट कंटेन्स द जेनेटिक मटेरियल इज, यानी कहा जा रहा है कि एक गोला सा, एक गोल सा मतलब गोल के आकार का, गोलिया आकार का जो कोशिकांग होता है, ठीक है ना, गोलिया आकार का जो अंग होता है जिसके अंदर जेनेटिक मटेरियल मौजूद होता है, जिनके अंदर अनुवांशिक पदार्थ मौजूद होते हैं, वो कौन सा है, माइटोकॉन्ड्रिया है, राइबोसोम है, सेल वॉल्स हैं, या फिर न्यूक्लियस है, कौन सा इसका सही उत्तर है ये आप बताइए। इजी सा क्वेश्चन है ये भी, आसान सा प्रश्न है। आपको सभी सेल ऑर्गेनल्स के बारे में पता है कि किस सेल ऑर्गेनल्स का क्या काम होता है, माइटोकॉन्ड्रिया एटीपी बनाता है, राइबोसोम क्या करता है, फैक्टर या प्रोटीन है, सेल वॉल आपका कहां पर मिलता है, प्लांट सेल के अंदर सिर्फ मिलता है, एनिमल सेल में ये नहीं पाया जाता, एंड सेल वॉल इज मेड अप ऑफ सेलुलोज, आप लोग जानते हैं। न्यूक्लियस की जब बात करते हैं, दिस इज कंट्रोल सेंटर और डायरेक्टर ऑफ सेल, और दोस्तों न्यूक्लियस की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में करी। न्यूक्लियस के अंदर ही दोस्तों क्रोमोसोम्स होते हैं, डीएनए होते हैं, याद रखिएगा क्रोमोसोम्स या डीएनए जो होता है दोस्तों उनके अंदर क्या होता है, आपका हिस्टोन नामक प्रोटीन भी मौजूद होता है, इस चीज को याद रखना। यानी कि जेनेटिक मटेरियल जो मौजूद होंगे ये कहां पर, किस कोशिकांग में होंगे, दिस इज इन न्यूक्लियस, तो डी इज द राइट आंसर, है ना। क्लियर है यहां तक, आ गया सभी को समझ में, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, वेरी गुड। यहां तक कोई डाउट है तो बताएं आप लोग, फिर हम लोग चलेंगे अगले सवाल पर, अगले मुद्दे पर, अगले प्रश्न पर, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ मूव करते हैं, अगला सवाल, अगला प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनल डाइजेस्ट द ओल्ड ऑर्गेनल्स दैट आर नो लॉन्गर यूजफुल टू द सेल। कहा जा रहा है कि वैसा अंग जो दोस्तों, जो मतलब हमारे कोशिका के लिए यूजफुल नहीं होता, वैसे अंगों को क्या करता है, डिस्ट्रॉय कर देता है या डाइजेस्ट कर देता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, लाइसोसोम बोलते हैं, राइबोसोम बोलते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं, या फिर क्रोमैटिन कहते हैं, क्या इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 19, फिर से एक आसान प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर है ना, सारे सवाल है ना, ऐसा कोई भी ऐसा सवाल नहीं है जिसके बारे में आपको पता ना हो, जिसके बारे में आपने पढ़ा ना हो, ठीक है ना। एक एक सवाल आपके नोट से हैं, आपने सारे सवाल को पढ़ा हुआ है। लाइसोसोम जो होता है दोस्तों, इसके पास कुछ हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स होते हैं, जो कि दोस्तों वो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम क्या करता है, ऐसे सेल ऑर्गेनल्स जिसका कोई यूज नहीं होता या ऐसे साइटोप्लाज्म जिसका कोई यूज नहीं होता, ओल्ड हो जाते हैं, उसे डिस्ट्रॉय कर देता है। दैट्स व्हाई ये जो लाइसोसोम है, इसे हम लोग सुसाइड बैग ऑफ सेल भी कहते हैं, इसे क्या कहा जाता है, कोशिका के आत्महत्या की थैली। जबकि दोस्तों लाइसोसोम की खोज करने वाले कौन थे, डी डूबे थे, किसने खोजा था, डी डूबे ने। राइबोसोम की खोज किसने करी थी दोस्तों, राइबोसोम की खोज करने वाले थे पैलेडे, और दोस्तों माइटोकॉन्ड्रिया की खोज करी थी अल्टमैन, नेम इज गिवन बाय बैंडा, ठीक है। क्रोमेटिन, ये दोस्तों क्रोमेटिन जो होता है, क्रोमेटिन नेटवर्क होता है न्यूक्लियोलस और न्यूक्लियस मेम्ब्रेन के बीच फैला हुआ, जो कि सेल डिवीजन के समय दोस्तों ये क्रोमेटिन नेटवर्क्स जो होते हैं ये कन्वर्ट किसमें हो जाते हैं, दे कन्वर्ट इन क्रोमोसोम ड्यूरिंग सेल डिवीजन, है ना। इस चीज को भी आपको याद रखना है, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, लाइसोसोम इज द राइट आंसर। अगले सवाल पर चलेंगे दोस्तों, अगला सवाल, अगला प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर। यहां तक किसी को कोई परेशानी, समस्या, दुविधा है तो आप लोग बताएंगे।
अगले सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। डैश इज ए कोलाइडल सिस्टम इन विच लिक्विड इज डिस्पर्स्ड इन ए लिक्विड, यानी कि एक कोलाइडी विलयन है जिसके अंदर लिक्विड जो है लिक्विड में डिस्पर्स रहता है, जेल, प्रेसिपिटेट या फिर इमल्सन या फिर सॉल। दोस्तों जेल का मतलब जेल ही होता है, सॉल का मतलब सॉल ही होता है, इमल्सन का हिंदी पायस होता है, प्रेसिपिटेट का मतलब होता है वृष्टि, है ना। आपको ये बताना है इसका क्या सही उत्तर है। सूर्यंदो किश विकास गोराई जी, अब तो क्लास ऑलमोस्ट फिनिश होने वाला है, आप फिर भी चलिए आप आए हैं तो आप क्लास को अब देख लें, जो भी एक सवाल बचा हुआ है ठीक है। चलिए यहाँ तक किसी को कोई समस्या परेशानी दुविधा है तो बताएंगे, और इसके बारे में बताइए क्या इसका सही उत्तर होगा ठीक है। चलिए जब दोस्तों आपका लिक्विड जो है आपका किस में डिस्पोज्ड रहता है, लिक्विड जब आपका सॉलिड में डिस्पोज्ड रहता है तो उसे दोस्तों हम लोग क्या कहते हैं, लिक्विड जब आपका सॉलिड में डिस्पोज्ड रहता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, दैट इज कॉल्ड सेल। और जब दोस्तों सॉलिड आपका किस में लिक्विड में डिस्पोज्ड रहता है, सॉलिड जब आपका लिक्विड में डिस्पोज्ड रहता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, दैट इज कॉल्ड सॉल। और दोस्तों इमल्सन का मतलब क्या होता है, जब आपका लिक्विड ही किस में लिक्विड में डिस्पोज्ड रहता है तो उसे हम लोग इमल्सन कहते हैं। इमल्सन का दोस्तों उदाहरण क्या है, इमल्सन का उदाहरण है आपका मिल्क, मिल्क इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ इमल्सन ठीक है। जब हम लोग बात करते हैं दोस्तों जेल, जेल का उदाहरण क्या है, जेल का उदाहरण है दोस्तों याद रखिएगा इसका उदाहरण है हेयर जेल, कर्ड जो है ये भी आपका एग्जाम्पल है ना जेल का। और जब दोस्तों सॉल की बात करते हैं, सॉल का एग्जाम्पल क्या है, पेंट है, इंक है, ये सभी किसका एग्जाम्पल है दोस्तों, दीज आर एग्जाम्पल ऑफ सॉल, इस चीज को भी आपने याद रखना है। यहां तक किसी को कोई परेशानी दुविधा है तो बताइए ठीक है, यहां तक किसी को कोई समस्या है तो बताइएगा। और सेशन दोस्तों अगर आप लोगों को अच्छा लग रहा है तो आप लोग सेशन को लाइक भी कर दें, सभी लोग सेशन को आप लोग शेयर भी कर दें है ना। चलिए तो यहां दोस्तों इसका सही उत्तर है इमल्सन या बायस। हाँ कल यूट्यूब क्लास होगा, बिल्कुल होगा यूट्यूब क्लास, सुबह 9 बजे, शाम में 7 बजे और रात के 9 बजे, ये यूट्यूब क्लासेस आपके एज इट इज होंगे, बट दोपहर में जो ऐप पर जो क्लास है ना आपकी वो बस नहीं होगी ठीक है। अच्छा ये क्वेश्चन फिर से समझा दूं, देखिए वंदना जी जो जेल होता है ना, जो आपके कोलाइडी सॉल्यूशन, जब सॉल्यूशन वाला लेक्चर आप जाकर ध्यान से देख लीजिएगा, यहाँ पर दोस्तों जेल की जब बात करते हैं ना, जब कोई लिक्विड है ना किसमें होता है, सॉलिड में डिस्पर्स्ड होता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, जेल कहते हैं ठीक है। और जब कोई आपका सॉलिड किसमें लिक्विड में डिस्पर्स्ड होता है ना उसे हम लोग क्या कहते हैं, सॉल कहते हैं। इमल्सन जब कोई लिक्विड किसमें लिक्विड में डिस्पर्स्ड रहता है तो उसे हम लोग इमल्सन कहते हैं। इसका इमल्सन का एग्जाम्पल याद रखिएगा सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है मिल्क, ये सभी कोलाइडी सॉल्यूशन के क्या है, उदाहरण है ये सभी ठीक है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी इमल्सन हो जाएगा। अब दोस्तों आप लोगों को क्या करना है, सेशन अगर आप लोगों को अच्छा लगा है तो आप लोगों ने सेशन को लाइक करना है, शेयर करना है, चैनल को दोस्तों आप लोगों ने सब्सक्राइब करना है, और आप दोस्तों हेलो टीचर्स टेलीग्राम चैनल है आप इसे भी ज्वाइन कर लेंगे ताकि इस चैनल से रिलेटेड वीडियोस की आपको लिंक मिल जाए, इन्फॉर्मेशन मिल जाए, तो आप हेलो टीचर्स आपका टेलीग्राम चैनल है इसे भी आप ज्वाइन कर लीजिएगा। और ये कोड है दोस्तों, दिस इज माय कोड, इस कोड को लगाकर आप अनअकैडमी पर जब भी आप कोई अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन परचेस करते हैं तो आप इस कोड को लगाकर 10% का डिस्काउंट ले सकते हैं ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम लोग फिर से कल सुबह 9 बजे साइंस के बेस्ट MCQs के साथ, जो आपके RRB NTPC और अन्य जितने भी वनडे एग्जाम्स हैं उसके लिए आपका बेनिफिशियल है। तो अभी के लिए इतना ही ठीक है, अभी के लिए इतना है, मिलते हैं हम लोग फिर से कल सुबह 9 बजे, तब तक के लिए सभी को थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर एंड गुड नाइट टू